स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखा रहा हूँ, ठीक है। प्लीज़ उस वीडियो क्लिप को आप देखें, और जो जो जब आप उस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, जब वीडियो आप 30 से 40 सेकंड का वीडियो है, ठीक है, उस वीडियो को देखने के बाद जो आपको फीलिंग्स आएगी, मैं उस फील के बाद बात करता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए आप छोटी सी वीडियो है, ठीक है, उसको देखें, ठीक है। मीर गरीब गरीब हो रहा, लोग मर रहे किसे के लिए, खाना पीना मुश्किल होगा, अब लोग क्या करें। अब मैं बाहर जाऊंगा, बाहर मांगने वाले बैठे हूँ, मुझे शर्म बात ये यार, ताकि टूटी हुई लोग ऐसे गुजर रहे हैं। चलो मुझे आती है जय भी पैसे दिए बताए कुछ खिला रहे आटा चुनी तो एक तो चलो पूछिए, मुझे कॉलेज ए ब्लड पॉजिटिव ब्लड चाहिए, अगर दुनिया में किसी को भी ना ए पॉजिटिव ब्लड चाहिए ना, मेरा नंबर लिख ले और जहाँ भी कहो मैं आऊंगा, जो भी कहो मैं आपको अपना ब्लड दे के रहूंगा, क्योंकि सदका है और मैं सदका अपना देना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो वीडियो बहुत अच्छे से देखी होगी और अच्छे से रियलाइज किया होगा और उसके एक एक वर्ड को आपने अच्छे से समझा होगा। सो फाइनली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वीडियो, ठीक है, फ्रॉम पाकिस्तान। सडनली वहाँ पे उसकी जीडीपी इतनी ज़्यादा गिर चुकी है, बहुत ज़्यादा जीडीपी वगैरह गिर चुकी है, जीडीपी गिर चुकी है, और जीडीपी गिरने के बाद वहाँ का अभी जो करेंटली प्राइस चल रहा है, जैसे हम लोग मैं खुद कुवैत में हूँ, और कुवैत में जैसे हमारे यहाँ पर एक दिनार जो है इंडिया की प्राइस 267 चल रहा है, और वहाँ पे चल रहा है मे बी एक दिनार वहाँ पर जो पाकिस्तानी रुपया चल रहा है लगभग 850 से ऊपर चल चुका है, 850-900 के बीच में, ठीक है। तो वीडियो बनाने का सिर्फ तात्पर्य इतना ही है कि यार मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि ठीक है हो सकता है कुछ मैं इस वीडियो को बनाने के बाद हो सकता है कुछ लोग मेरे से हेट करें, ठीक है, या मुझे मेरी वीडियो को रिपोर्ट करें, ठीक है, हो सकता है कुछ नए लोग आके मुझे कुछ अच्छा कुछ सिखाने की कोशिश करें बताएं, मैं उनको उनका भी फिर भी स्वागत है, उनका भी स्वागत है, ठीक है, दैट्स द पॉइंट। तो फर्स्ट थिंग इज देखो यार, मैं खुद विदेश आया हूँ, ठीक है, किसके लिए आया हूँ, अपनी फैमिली को ग्रोथ करने के लिए, पैसे कमाने के लिए आया हूँ, ताकि मेरी फैमिली खुश रहे, खुशी खुशी तीन वक्त का खाना खा सके, ठीक है, खुशी खुशी ज़िंदगी जिए हम लोग, आने वाली जो मेरी नई पीढ़ी होगी या हमारी जो नई पीढ़ी होगी उसको डेवलपमेंट करने का, ठीक है, ताकि वो अच्छे से वो भी समझे, चीज़ें अच्छे से करें और डेवलपमेंट हो, ठीक है, आने वाली जो नस्लें आएंगी। बट सोचने वाली बात यह है कि मुझे बहुत ही हर्ट हुआ इस वीडियो को देखने के बाद, इस बंदे ने एक बात बोली कि मेरा पॉजिटिव ब्लड है, और जिसको चाहिए होगा मैं वहाँ आके, ठीक है, वहाँ आके जहाँ पे चाहिए होगा, जिस भी कंट्री के कोने में, जहाँ पे वर्ल्ड में भी चाहिए होगा, ठीक है, जहाँ पे भी चाहिए होगा मैं आके उस अपना ब्लड देने को तैयार हूँ, ठीक है, किसके लिए, रोटी के लिए। तो ठीक है, इस टाइम इस कंट्री की बहुत ज़्यादा गंदी हालत हुई हुई है, और मैं ज़्यादा कुछ शब्द नहीं कहना चाहूँगा, ठीक है, बस एक शब्द कहना चाहूँगा, एक लाइन, कि जब मर्द रोता है ना, जब मर्द रोता है, ठीक है, और वो मर्द रो रहा है, और रोने के बाद वो पता क्या बोल रहा है, खून दे रहा है, बहुत बड़ी बात है भाई, खून दे के रोटी बोल रहा है, ठीक है। और मैं भी एक लड़का हूँ, ठीक है, मैं भी समझता हूँ, चीज़ें समझता हूँ, क्योंकि इंसान है, ठीक है, पहली बात इंसानों के लड़का हूँ, ठीक, मैं भी समझता हूँ कि यार मैं भी अपनी फैमिली के लिए, खुशियों के लिए, रोटी के लिए इधर आया हूँ, ठीक है, घर परिवार छोड़ के। दैट्स द पॉइंट इज, वो बंदा अपना ब्लड बेचने को तैयार है, ब्लड दे रहा है, डोनेट नहीं, बेच रहा है, ताकि उसका परिवार, उसकी फैमिली जो जो उस मुल्क में चल रही है, जो भी फैमिली है, उसको कुछ थोड़ा बहुत सराहना हो सके, उसकी फैमिली को हो सके, ताकि कुछ सही हो जाए चीज़ें। भाई 20 केजी आटा वहाँ पे 3100 से 3200 का है, ठीक है, और जो सब्सिडी आटा मिल रहा है वहाँ पे लोग बाग, अभी एक न्यूज़ थी वहाँ पे बता रही थी मैम, न्यूज़ थी पाकिस्तानी न्यूज़ देख रहा था मैं, वहाँ पे कुछ आटा लेने के लिए, सब्सिडी आटा लेने के लिए लोग बाग लाइनों में लगे हुए नहीं, भगदड़ मच रही है, जिससे लोगों में बहुत लोगों की जान भी जा चुकी है, ठीक है। अब मुल्क के हालात बहुत बुरे हैं भाई, बहुत बुरे, ठीक है, 4500 रुपये का लगभग सिलेंडर है, 4500-4600-4700 5000 से भी ऊपर है, कहीं कहीं तो 10000 का मिल रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ठीक है,
जो भी इस कंट्री के बारे में हेल्प करना चाहता है ठीक है वो हेल्प करें, ठीक है जो हेल्प नहीं करना चाहता है वो प्रे कर सकता है ताकि ये जो मुल्क में आने वाली इनकी चीज़ें जो भी प्रॉब्लम है उस चीज़ को ये फेस करें, फेस करने की थोड़ी इनको एनर्जी मिले। ठीक है, जो ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है मैं बस अपील करूँगा सभी कंट्रियों से, सभी लोगों से, ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल हमें धर्म, पहले धर्म, ठीक है धर्म में बस एक ही चीज़ कही जाइए, जब यार इंसान ही नहीं रहेगा तो क्या यार उसकी गलतियाँ, क्या उसके साथ बिताया हुआ पल, क्या उसके साथ दुश्मनी, क्या दोस्ती, ठीक है तो जब ये इंसान ही नहीं रहेगा तो क्या चीज़ रहेगी, है ना। तो यार कभी कभी ईगो मैं बस एक ही वर्ड बोलूँगा कि ईगो डज नॉट मैटर, ठीक है कंट्री डज नॉट मैटर, मैटर इज इंसान, ठीक है तो अगर आप हेल्प नहीं कर सकते कोई इशू नहीं है, बट प्रे कर सकते हो भगवान से, ठीक है ऊपर वाले से कि प्लीज़ जो कुछ भी चल रहा है इन चीज़ों को ये सही हो जाए, ठीक है क्योंकि यार हर कोई इंसान एक साथ होता नहीं है, ठीक है और उन्हें पता है जो लोग अपना घर छोड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है बाहर जा रहे हैं कंट्रियों में या कहीं भी काम कर रहे हैं बाहर अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, दो रोटी, तीन रोटी, चार रोटी, तीन वक्त का खाने के लिए, ठीक है अब वो अंदर यार रो के एक मर्द बोल रहा है, रो के बोल रहा है कि मैं अपना खून देने के लिए तैयार हूँ, बस किसके लिए, रोटी के लिए। तो आप समझ रहे होंगे ना, ठीक है कितनी बड़ी बात बोल रहा है वो इंसान। और कभी कभी ईगो और कंट्री आर डज नॉट मैटर हेटर, ठीक है तो हो सकता है, मुझे नहीं पता कि हो सकता है कि कुछ लोग इस वीडियो को देखने के बाद कुछ गलत कमेंट करें, ठीक है आई डोंट केयर अबाउट कुछ। फाइनली प्रे फॉर दिस कंट्री कि जो भी ये, जो भी इनकी फैमिली है, ठीक है जो लोग इस दुविधा में, इस भुखमरी में परेशान हैं, ये बस दो वक्त छोड़ो एक वक्त का भी खाना नहीं है, तो उनके लिए प्रे करता हूँ कि ऊपर वाले से दुआ करता हूँ, भगवान से दुआ करता हूँ कि ये सब कुछ सही हो जाए, ठीक है फिर उसके बाद आराम से हेटर वेटर जो करना है ईगो सब कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यार जब इंसान ही नहीं रहेगा ना तो उसकी क्या गलती है, क्या फ़ायदा, है ना फ़ायदा देना। तो बस वीडियो बनाने का यही था यार, ऐसा मैं पूरे जब से मैंने सुबह वीडियो देखी ना मैं सोच रहा था मेरा कब लंच होगा, वाफ हो मैं आराम से पेड़ के नीचे बैठूं, ठीक है पास में जाऊं बैठूं और मैं इस वीडियो को बनाऊं बस, ठीक है क्योंकि मैं खुद अपनी फैमिली छोड़ के यहाँ बैठा हूँ सिर्फ पैसों के लिए, दो वक्त तीन वक्त की रोटी मैं अपनी फैमिली को दे सकूँ बस, वहाँ पे एक वक्त की रोटी के लिए वो इंसान अपना खून बेच नहीं देता यार। बस मैटर करती है चीज़ें, ठीक है तो प्लीज़ हेल्प नहीं तो कम से कम प्रेयर तो कर सकते हो, है ना प्लीज़ जो हेल्प कर सकता है इस कंट्री के लिए हेल्प करें, ठीक है जो भी कुछ हो सकता है वो करने की कोशिश करें, जो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है तो प्लीज़ प्रे कर सकते हैं ऊपर वाले इसके लिए, ठीक है वो जो ऊपर बैठा है ना, जो ऊपर बैठा है ना सबकी सुनता है, ठीक है सबकी सुनेगा, एक सबकी सुनता है, ठीक है मेरी आपकी उन सब तमाम करोड़ों इंसानों की सबकी सुनेगा जिसने धरती बनाई है, जस्ती रचेता, ठीक है सृष्टि रचेता सबकी सुनता है और करेगा भी वही जो, ठीक है तो कहते हैं ना कि जब आपकी जेब में कितना भी पैसा हो और इंसान अगर डॉक्टर के, मान लो अगर सपोज़ एक उदाहरण के लिए मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, वो कहते हैं ना कि अगर कल को आप बीमार पड़ गए, ठीक है आपका ऑपरेशन हो रहा है, डॉक्टर ने पूरी जी तोड़ आपने पैसा जमा किया डॉक्टर को, वो मांगे रकमें और वो खरबों रुपये आपने डॉक्टर को दे दिए, बोल दिया कि बस एक बार बचा दो, ठीक है बचा लो, तो क्या बोलेगा डॉक्टर कि यार मेरा जितना काम था मैंने किया, अब आप ऊपर वाले से दुआ कर सकते हो, है ना। तो दुआ बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है आप कुछ करो ना करो किसी इंसान के लिए आप दुआ करोगे ना तो बहुत बड़ी चीज़ है। बस मैं यही मेरी आप सभी से अपील है कि प्लीज़ नेशन ईगो डज नॉट मैटर, ठीक है समटाइम भाई प्लीज़ हेल्प मत करो, ठीक है थोड़ी सी दुआ करो, वक्त के पहिए का कुछ नहीं पता, आप कल कहाँ हो, कल क्या हो, आज कहाँ हो, किसी को कोई मालूम नहीं है, ठीक है हमें अपने कल का भी नहीं पता भाई, समझ रहे हो ये पैसा धन दौलत माया सब माया है, पैसा धन दौलत का सब माया, ठीक है हमें अपना नहीं पता भाई, चार दिन की चांदनी, ये शक्ल, ये
कि दाढ़ी मूंछ बाल सब चार दिन का मेहमान है, ठीक है। तो प्लीज़ दुआ करो उन लोगों के लिए जो इस आर्थिक स्थिति में लड़ रहे हैं, ठीक है। उनके साथ खड़ा नहीं हो पा रहे तो कोई बात नहीं, कम से कम दुआ करो, ठीक है। ऊपर जाने के बाद ना भाई ये पैसा, ये वो देखा ना, सिकंदर जब मर रहा था ना तो उसने अपने उसके पास क्या नहीं था बताओ, सब कुछ था ना, पूरी दुनिया उसने जीत रखी थी। अपने जब उसने हकीम को बोला कि यार मुझे बस किसी भी तरह से सही कर दे, चाहे तो मेरी दुनिया की दंदौलत ले ले, तो बोलते नहीं सही नहीं हो पाएगा। तो खाली हाथ उसने ऐसे उल्टे हाथ खाली हाथ क्यों किए थे, उसने एक ही पैगाम पहुंचाया था ताकि दुनिया को ये बता देना कि आप दुनिया में खाली आए थे, खाली हाथ जाओगे, ठीक है। तो इस टाइम आप सब एक साथ मिलके होके किसी इंसान के लिए, किसी देश के लिए, ठीक है, किसी देश के लिए नहीं, छोड़ो यार इंसान के लिए तो कम से कम आप एक वक्त, जो लोग 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं, जो लोग 3 टाइम मंदिर जाते हैं, ठीक है, जो लोग घर में पूजा करते हैं, ठीक है, कम से कम जो लोग प्रे करते हैं, कम से कम उस प्रेयर टाइम में किसी इंसान के लिए दुआ मांग लोगे ना, शायद वो बच जाएँ, ठीक है, और वो जो दुआ है ना वो कबूल हो जाएगी, ठीक है, और ये सब कुछ सही हो जाएगा। तो मेरी आपसे हार्दिक निवेदन बस इतना ही कि प्लीज़ उन लोगों के लिए थोड़ा सा दुआ करें, प्रे करें कि ये सब कुछ नॉर्मल हो जाए, ठीक है, जो भुखमरी की आर्थिक स्थिति में ये परेशान है लोग, ठीक है, वो सब कुछ सही हो जाए, ठीक है। तो देखो हर कोई इंसान एक सा नहीं होता, मैं बस यही कहना चाहता हूँ, ठीक है। बाकी आप सब समझदार हो, आपको सब पता है, ठीक है, इसमें कुछ नई घी चुपड़ी वाली कुछ नई बातें या बोल के मैं किसी से कोई डोनेट वोनेट वाली कोई बिल्कुल बात नहीं कह रहा, ठीक है। जो आपको हेल्प करनी है आप हेल्प करें, जिसको नहीं करनी है वो दुआ करें, बस दो ही चीज़ मैं ये बोल रहा हूँ, दो में से एक चीज़ कुछ भी करो, ठीक है। कुछ नहीं पता कल आप कहाँ हो क्या हो, कुछ नहीं पता, हमें अपना कल का नहीं पता भाई, ठीक है, और वो जो ऊपर वाला है ना उसको सब पता है, उसको क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। तो एक इंसान होने के नाते प्लीज़ हेल्प नहीं तो दुआ कर सकते, ठीक है। और बस मेरा वीडियो बनाने का इतना ही एक मोटिव था, ठीक है, बस मेरे वीडियो बनाने का बस इतना ही तात्पर्य था, ठीक है। यार मैं सीरियस बोलूँ, उस वीडियो को देख के अंदर से इतना ज़्यादा टूट सा गया हूँ ना, देखने के बाद इतना टूट सा गया हूँ भयंकर। एक इंसान रोटी के लिए खून बेच रहा था, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक आप लोग सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, ठीक है। सो बाय बाय, ठीक है, मेरा टाइम भी हो गया, मुझे जाना है, ठीक है। मैं भी 3 टाइम के लिए, 3 वक्त की रोटियों के लिए, अपने माँ बाप की खुशियों के लिए जा रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा भी टाइम हो गया, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ प्रे फॉर होस पीपल, तो ठीक है, समझ रहे हो ना, जो भुखमरी से हालात में लड़ रहे हैं, ठीक है, ओके।